देश में भगवा दल का शासन है और भगवा दल को गिराने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिर वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात हो या उल जलूल बयान देने की, कभी कभी तो विपक्ष के नेता ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी पड़ती है। गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी पर भी उनके बयानों को लेकर देश के कई राज्यों में केस दर्ज है। वहीं इस लाइन में कांग्रेस अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के नेताओं से अपने बयानों को लेकर माफी मांगी है। वहीं एक बार फिर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बयान की वजह से कांग्रेस की फजीहत हो गई है। इस बार योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भारी पड़ गया। दरअसल खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों से सीएम योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुर्शीद बाटला हाउस के आरोपियों और आतंकवादियों के हमदर्द थे, जिसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। लेकिन अब वही सलमान खुर्शीद कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए माफी मांगते फिर रहे हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद मामला दर्ज किया गया था और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर खेद जताया। खुर्शीद के खेद जताने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले में अदालती कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है और आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर खेद जताया है, जिसका मतलब यह है कि उसमें अभी भी सीखने और अपनी गलती को बहादुरी से मानने की भूख है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका इरादा किसी की भी या योगी आदित्यनाथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए केवल हल्के फुल्के अंदाज में वो बयान दिया था। आपको बता दें, विपक्ष देश से भगवा दल को हटाने के लिए कितना भी नीचे जा सकती है और इसी हरकतों पर जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।